नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक्स अड्डा में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ विश्व स्तरीय सबसे बड़े मरुस्थल, जो विश्व में प्रमुख बड़े मरुस्थल हैं उनके नाम याद करने का एक शानदार ट्रिक जो बहुत ही आसान है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। आज मैं आपको बताता हूँ विश्व के बड़े मरुस्थल के नाम याद करने का एक शानदार ट्रिक है। विश्व के प्रमुख बड़े मरुस्थल के नाम उस ट्रिक के माध्यम से आपको आसानी से याद हो जाएंगे और हमेशा याद भी रहेंगे। अगर आपको ट्रिक याद रहेगा तो आपको विश्व के प्रमुख बड़े मरुस्थल के नाम हमेशा याद रहेंगे। ट्रिक आपका है सा एम सा एम, इसको आप सा यम के भी पढ़ सकते हैं, सा यम के, एस डबल ए यम के। इसमें आपका पूरा विश्व के बड़े मरुस्थल के नाम आ जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, यस मतलब सहारा हो गया, ए मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया, ए मतलब आरबीएन हो गया, यम मतलब मंगोलिया एशिया व रूस हो गया, के मतलब कालाहारी अफ्रीका हो गया। सहारा, ऑस्ट्रेलिया, आरबीएन, मंगोलिया एशिया व रूस, कालाहारी अफ्रीका। देखिए इस ट्रिक के माध्यम से कितने आसानी से हम विश्व के प्रमुख बड़े मरुस्थल के नाम याद कर सकेंगे और हमेशा याद भी रहेगा। अगर आपको सा यम के याद करने में कोई कठिनाई होती है तो आपके लिए बहुत ही चिंताजनक वाली बात है, क्योंकि सा यम के एक बच्चा भी याद कर सकता है। सा यम के एक नाम के तौर पे अपने दिमाग में रखिए कि सा यम के एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के माध्यम से आपको विश्व के बड़े मरुस्थल के नाम हमेशा याद रहेंगे। दोस्तों जो ट्रिक बैठाया जाता है, ट्रिक ऐसा बैठाया जाता है कि उसमें जो प्रश्न में उत्तर पूछा गया हो वो उत्तर उस ट्रिक में फिट हो जाए, इसी हिसाब से ट्रिक बनाया जाता है। ट्रिक आपको थोड़ा अटपटा लगता होगा कि ये नाम मैंने कभी सुना नहीं है तो इस नाम से कैसे इसका आंसर हो सकता है, लेकिन बहुत सारे विद्वान ऐसे पढ़े हैं जो बहुत सारे ट्रिक बना के बैठे हैं। हम ही नहीं, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं जो बहुत सारे ट्रिकों का उत्पत्ति किए हैं। उन सब ट्रिकों के माध्यम से हम छोटे मोटे विद्यार्थी उनसे सीखते रहते हैं कि ट्रिक कैसे बनता है, ट्रिक बनाने का क्या उपाय है। आप निरंतर पढ़ाई कीजिए, आपको ऑटोमेटिक ट्रिक बनाने का उपाय आपको खुद ही पता चल जाएगा कैसे ट्रिक बनाया जाता है। तो आपको मेरे ख्याल से ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये ट्रिक एक कक्षा 5 का विद्यार्थी भी इस नाम को याद करके विश्व के प्रमुख बड़े मरुस्थल के नाम बहुत आसानी से याद कर लेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।